तो नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक नया वीडियो हम लेकर आए हैं। जिन भाइयों बहनों का उंगली या थंब या कोई भी काली उंगली जो है कि कट जाती है, तो उनके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी कि कैसे हम अपने हाथों को, यदि हमारे उंगली कट जाता है किसी भी वजह से, चाहे बाइक के चैन में या फिर कोई आग लगने का वजह से, या मतलब कि आग के वजह से, या कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके एक्सीडेंट में, या कटर से कोई कट गया हो, तो आप हमसे घाव ठीक होने के बाद आप हमसे संपर्क कर आप मेरे से उंगली, अपने नकली उंगली बनवा सकते हैं। बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल उंगली की तरह दिखता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं एक दिखाना चाहूँगा, ये आप मैं कहूँगा कैमरामैन को जरा एक बार इसको जूम करके दिखा दे, ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये इस तरह का उंगली आपको हम लोग बनाते हैं और उसको कस्टमाइज कर बनाते हैं ताकि आपकी शेप में, आपकी साइज में जो नॉर्मल उंगली है उसी के शेप और साइज में हमारी उंगली बन जाए, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चल पा रहा होगा कि इसमें 6 उंगली है कि 5 उंगली है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना लेते हैं और फिर आपको जो पार्ट बचा हुआ रहेगा उसमें हम इस तरह से कैपिंग लगाकर पहना देते हैं। जब जरूरत हो पहन लीजिए, जब जरूरत नहीं है निकाल कर रख लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो किसी भी भाई बहनों को या मतलब कि बुजुर्गों को उंगली कट गया हो, चाहे वो डायबिटिक की वजह से हो, या कोई एक्सीडेंट की वजह से हो, या कोई फिर भी कोई बीमारी की वजह से हो, तो आप हमसे संपर्क कर उंगली अपना नया के जैसा लग बनवा सकते हैं। लेकिन वो होगा आर्टिफिशियल, सिलिकॉन का कस्टमाइज बना हुआ होता है। और हाँ, आपको यदि आपका बजट नहीं है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं कम बजट है तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी एनजीओज हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हमारे सर्विस को, चाहे हमारी उंगलियों को, तो हम अपने एनजीओ के थ्रू, कुछ एनजीओ हमारे साथ एसोसिएटेड है, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर कुछ पेमेंट आपका होता है और कुछ पेमेंट एनजीओ का होता है, उससे वो हम लोग कोऑर्डिनेट कर आपके हम उंगली किसी भी तरीके से, मतलब क्या कहते हैं, आपको हम फिटिंग करने की कोशिश करते हैं, यदि कुछ कंडीशन होता है उसके लिए। बाकी आप जब संपर्क करेंगे हमसे, ठीक है, और आपके हम उंगली को वीडियो कॉल पे देखेंगे या आपके वीडियो देखेंगे, आपके हाथों को देखेंगे, फिर बताएंगे और आपके कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि किस तरह से आपका उंगली कटा, क्या क्या वजह था, ठीक है, आपके घाव जख्म सूखा कि नहीं सूखा, या आपके मतलब ठीक हुए कि नहीं। ठीक होने के बाद हम इस उंगली को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। हाँ, बात करने का समय आप शाम को 4 से 6 के बीच में ही कॉल करें, और इंटरनेशनल पेशेंट जो है वो 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, उनके लिए 24 घंटा हमारा सर्विस ऑनलाइन, क्योंकि टाइम का डिफरेंस होता है इंडिया में और बाहर देशों से, तो वो कभी भी कॉल कर सकते हैं। बाकी इंडियन पेशेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी रात को 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को कभी कॉल ना करें, कि कई बार लोग होते हैं कि रात को 1 बजे भी वीडियो देख रहे होते हैं और रात को उसी समय कॉल मिला देते हैं, तो परेशान ना हो, कल भी नेक्स्ट डे भी आप मिलाएंगे तो हमसे बात हो जाएगी, आप दिन को आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आपने कॉल तभी करें जब आपका घाव सूख गया हो, या बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आपको फिटिंग तो तभी होगी जब आपकी उंगली, आपकी पूरी जख्म सूख जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ फायदा पहुंचाएगा। बाकी मैं भाई लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है लोग नॉर्मल लोग भी देख रहे हो, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में, ताकि किसी भी भाई बहनों का यदि उंगली कटा हुआ है तो वो इस सर्विस को लाभ उठा सके, ठीक है। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में और कुछ और जानकारी को लेकर, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।